Hey everybody, I'm Anam. I'm excited to you. Welcome you to my channel. Hope you guys doing well. वीडियो के टाइटल से आपको आज पता लग गया होगा कि कौन से टॉपिक पे आज बात होने वाली है. जी हाँ, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, अच्छा चल रहा था चैनल. अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अचानक से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. ऐसी क्या वजह है जो व्यूज़ आने बीच में बंद हो जाते हैं? तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो मिस्टेक की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. और वीडियो बनाते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. जो न्यू यूट्यूबर अब आ रहे हैं, जो वीडियो बनाना चाहते हैं, बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो वीडियो वो ध्यान से देखें और इन ट्रिक्स और इन मिस्टेक को भी कह सकते हैं कि उन्हें फॉलो करें. और शुरू शुरू में मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मिस्टेक भी हैं या मतलब मुझे ये करना है या नहीं करना. तो मुझे बाद में पता लगा कि मैंने मतलब मेरा बीच में व्यूज़ आने बिल्कुल बंद हो गए. स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल सही चली थी वीडियो और उस पर व्यूज़ आते थे, शॉर्ट्स भी बनाती थी मैं, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे. धीरे धीरे व्यूज़ आने बिल्कुल बंद हो गए हैं. और दोबारा से मैंने कुछ वीडियोस देखी, उनसे मतलब उनमें कुछ ट्रिक और टिप्स फॉलो किए, तब जाके मेरा चैनल दोबारा से ट्रेंडिंग में आया है. और वीडियो यूट्यूब कभी भी आपकी वीडियो को बेवजह स्टॉप नहीं करता है. उस पर बेवजह स्टॉप नहीं होंगे आपके व्यूज़. जो आपके व्यूज़ धीरे धीरे चल रहे हैं वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी मिस्टेक आपने अगर आप करते हैं तो तभी व्यूज़ आपके स्टॉप करता है यूट्यूब. ठीक है, तो वो कुछ गलती ऐसी है अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं. ठीक है, अगर उन्हें आप नहीं करते हैं तो वीडियो आपकी धीरे धीरे से दोबारा ट्रेंडिंग में आने लगेगी और आपके व्यूज़ खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. वो टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी, तो बिल्कुल पक्का अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए. ठीक है, उन पॉइंटों को लिखिए और ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना जो मैंने मिस्टेक की है. ठीक है, कि जिन मिस्टेक को आप अवॉइड करके अपने चैनल को दोबारा से उसी लिस्ट में, उसी ग्रोथ में ला सकते हैं, आपके दोबारा से व्यूज़ अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो. और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका चैनल बिल्कुल डेड हो रहा है या आपका व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे तो दोबारा से डेड चैनल को भी ये दोबारा से ट्रेंडिंग में लाने लगते हैं. है जो आपको नहीं करना. ठीक, रूल नंबर वन है जो आपको नहीं करना. ठीक है, अपने नए नए अकाउंट से एक से ज़्यादा अकाउंट बना लेते हैं और अपनी वीडियो को, अपने चैनल को आप वॉच करते हैं नए नए अकाउंट से, तो वो वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है. क्योंकि ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ और मेरे व्यूज़ बिल्कुल स्टॉप हो चुके थे इस मिस्टेक से. रूल नंबर टू है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपना वॉच टाइम बढ़वाना है पेड सर्विसेज लेकर, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना. क्योंकि आईपी एड्रेस तो सेम ही होता है ना, अगर आप एक कंप्यूटर में या एक मोबाइल में 10 आईडी खोल लेते हैं. ठीक है, जो पेड सर्विसेज हैं वो यही करती हैं, एक फ़ोन में 10 आईडी बना लेती हैं, उससे 10 बार सर्च करके वीडियो देखी जाती हैं, आपका चैनल देखा जाता है. उससे क्या होता है कि आईपी एड्रेस वगैरह सेम होता है, तो यूट्यूब इस बात को समझ लेता है. ठीक है, तो ये गलती भी कि आपको जो ये पेड सर्विसेज आप लेते हैं उसमें सब ठीक है इंक्रीज़ करवाते हैं सब्सक्राइबर, तो वो मिस्टेक नहीं करनी. एक सब्सक्राइबर ले लेते हैं तो वो आपका एक बार वॉच करेंगे आपकी वीडियो को, दोबारा क्यों करेंगे वो आपको, क्योंकि आप दोबारा थोड़ी ना पेड करोगे उन्हें. तो ये ध्यान में रखिए कि आपको पेड सर्विसेज नहीं करनी है, सब काम मेहनत से करना है, नेचुरली तरीके से व्यू को ग्रोथ होने दीजिए. ओके, आप अगर रीयूज कंटेंट डाल रहे हैं किसी का भी कंटेंट, उसे अपना एडिट करके, थोड़ा एडिट करके उसे डाल रहे हैं, तो वो प्लीज मिस्टेक बंद कर दीजिए. ठीक है, अपना कंटेंट डाल. नंबर फोर है जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, एक तो व्यूज़ आने सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी हो सकती है कि इतना ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना बहुत ज़रूरी है. आप अपने YT स्टूडियो में सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा वायरल प्रोडक्ट है, आपकी कौन सी टॉप की वीडियो अभी फिलहाल चल रही है, तो उस पर थोड़ा सा आप ऑर्डर करके, थोड़ा सा उसमें नई चीज़ ऐड करके उस टॉपिक पर दोबारा से वीडियो बना सकते हैं. तो देखिए कि अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा ऐसी क्या कौन सी वीडियो चल रही है कि आप उस पर दोबारा से कंटेंट रिक्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो मेहनत रिक्रिएशन पर करिए, ना कि किसी के रीयूज कंटेंट पर करिए. तो रूल नंबर फाइव है कि अगर आपके घर में 10 मोबाइल हैं, वाईफाई है, सेम वाईफाई से सारे कनेक्ट फोन हैं, ठीक है, उसी तरीके से ऐसे ही कि आप उन्हें आईडी से देख रहे हैं, तो अगर आपके घर में सेम वाईफाई है और 10 मोबाइल या 4 मोबाइल आपके मम्मी पापा का जिसका भी कनेक्ट है, उससे आप अपनी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना. आपको एक सेम टाइम पर अपनी वीडियो को अपलोड करना है. मान लीजिए आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको मॉर्निंग में ही करना है, और इवनिंग में करना चाहते हैं तो आप इवनिंग में कर सकते हैं. और एक दिन के बाद, एक दिन का गैप लेकर अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो हर बार आप इसी तरीके से वीडियो को अपलोड करिए. और डेली करना चाहते हैं तो आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो सेम टाइम रखिए, सेम स्केड्यूल रखिए अपनी वीडियो को डालने का, वीडियो को अपलोड करने का. ठीक है, इससे भी वीडियो के व्यूज़ पर इफेक्ट पड़ता है, व्यूज़ ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप हो सकते हैं. तो इस मिस्टेक को अवॉइड करिए. और डेली 2 वीडियो, और आपका शॉर्ट का चैनल है तो 2 वीडियो सेम टाइम पर अपलोड कीजिए. और 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, आपका चैनल दोबारा से उसी ट्रेंडिंग में आ जाएगा, उसी ग्रोथ पर आ जाएगा जो आपका पहला हुआ करता था. अगर आपका लॉन्ग का चैनल है, लॉन्ग वीडियोस आप डालते हैं, तो डेली सेम टाइम पर एक वीडियो, अपनी वीडियो डालिए. ठीक है, अपना कंटेंट बनाइए, अपनी मेहनत करिए. अगर मेरी वीडियो जरा सी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें. बाय.